ये फाइनल इसका चैप्टर नंबर वन, सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है गवर्नेंस, कॉबेट, जीआईटी, आई डोंट नो व्हाट इज ऑल दैट राइट। ये एक इशू हर जन को क्रिएट होता है। ये चैप्टर को एक फ्रेमवर्क देकर के समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक ही बार में सारा काम हो जाता है और ये समझना आसान लगता है। देखो, जब गवर्नेंस की बात आती है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग द कंपनी। डेफिनेटली जो भी जन कंपनी चला रहा है उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि शेयर होल्डर्स जो है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट करता है तो सिर्फ पैसा नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा, अपना विश्वास सब किसको देता है? सामने वाली कंपनी को देता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। तो जब एक शेयर होल्डर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, इस तरह से ये सब देता है, तो एक ट्रस्ट पे देता है। ये सब ट्रस्ट जो है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ट्रस्ट सर कैसे मेंटेन होगा? ट्रस्ट सर तब मेंटेन होगा जब जो भी काम किया जाए वह वही काम किया जाए जो कहा गया है, और प्लस कोई इंटरनल फ्रॉड ना निकल के आ जाए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलूं तो कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट भी हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने जो काम बोला है उसमें हमने एक रिस्क डिफाइन किया है। कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं चलता, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन अज्यूम एनी प्रपोर्शन और एनी अमाउंट ऑफ रिस्क विदाउट कन्वेइंग इट टू योर शेयर होल्डर्स। मेरी बात समझना ध्यान से, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चलता, ये बात हम एकदम समझते हैं, ये बात एकदम क्लियर है। लेकिन क्या कोई भी बिजनेस ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना कितना भी रिस्क ले ले? नहीं ना। तो रिस्क लेने का एक लिमिट है और वो डिफाइन किया जाता है रिस्क एपेटाइट से, राइट? तो यहां पे हम लोग कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट और इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर वन कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं ये दो बातें बोलता है। वो ये दो बात बोलता है कि एक तो आपके पास में जो भी कंपनी में काम हो रहा है वो काम इस प्रकार से हो कि आपकी इच्छा के बिना कुछ भी ना हो जाए। इच्छा के बिना होने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट हैज दी फुल अथॉरिटी ओवर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके बारे में मैनेजमेंट को होश आवाज ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी, तो सामने वाला पैसे देते समय कतराएगा या नहीं कतराएगा? बिल्कुल कतराएगा। गवर्नेंस जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गवर्नेंस टर्म मैं इनफैक्ट बोलू नरेंद्र मोदी जी जो है बहुत बार अपनी स्पीचेस में यूज कर चुके हैं कि हम लोग कर रहे हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। देखो, गवर्नेंस का मतलब है संचालन। अब जब संचालन कर रहे हैं, व्हेन यू आर रनिंग समथिंग, राइट, व्हेनेवर यू आर रनिंग समथिंग यू वांट टू बी एज गुड एज पॉसिबल, तो गुड गवर्नेंस की बात हम करते रहते हैं। लेकिन अपने पास में टर्म यहां पे दो तीन आएंगे। एक आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक आएगा आईटी गवर्नेंस, और एक आएगा गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। और मेरे को हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी। सो वंस एंड फॉर ऑल अपने लोग पूरा पूरा आज डिस्कशन ही करेंगे, केवल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो पाएगा। उसके बियॉन्ड जितना भी बुक से है, कैसे याद करना है, कितना याद करना है, कौन सा क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर नवंबर 19 के अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, कैसे कैसे टॉपिक्स आपके लिए नवंबर 19 के लिए रेलेवेंट है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बैलेंस क्लासेस में डिस्कस होंगी। तो मैं केवल अभी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे देने से बहुत आसान हो जाता है, अपने को कुछ कुछ चीजें ना डायरेक्टली समझ में आने लग जाती है। देखो, कोई भी गवर्नेंस सबसे पहली चीज ये इंश्योर करती है कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए एज डिजायर्ड, और एक सेट ऑफ कंट्रोल्स मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई लेफ्ट राइट जाके गलत रास्तों से जाकर के आपने अचीव किया। तो एक तरीके से काम होना ही गवर्नेंस है और काम अचीव करना गवर्नेंस है। तो कोई भी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर अपना ट्रस्ट सौंपता है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर मैं कह सकता हूं दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG, जो टर्म आप ऑडिट में बार बार सुनते हैं। तो मैंने कहा कि ये अपना पैसों की पोटली और जो ट्रस्ट है वो देता है, राइट, किसी को भी। सर ये ट्रस्ट बेस्ड किस पे है? से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लिस्टेड कंपनी, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑडिटर एक वो बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट करके ये लोगों ने ये पैसा दिया है। और अगर मैं बात करूं इधर, तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो फिर ये ट्रस्ट किसने किया है साथ साथ? सर ये ट्रस्ट जो है ये साथ साथ किया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज सेबी।
मतलब सेबी यानी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर ने रिव्यू करा है इंटरनल कंट्रोल, सेबी ने बनाए हैं नॉर्म्स जिसकी वजह से सारा का सारा काम होता है, और उसके बेसिस पे ये सारी की सारी बातें हो रही हैं अबाउट ट्रस्ट। जब ये सब इतना ट्रस्ट की बातें होती हैं और हम इस तरह की बातें करते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये बिलीफ आता है कि यार हाँ सही बात है, स्टेक होल्डर्स जो है वो एक तो प्रोफेशनल जो ऑलरेडी मौजूद है और एक सरकार की अथॉरिटी, दो जनों के बेसिस पे एक ऑडिटर जो है वो डिसीजन फ्रेम, एक स्टेक होल्डर जो है या एक शेयर होल्डर जो है वो एक डिसीजन फ्रेम करता है कि यस आई कैन गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और आई कैन रिपोज ट्रस्ट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंड दैट्स हाउ ही गिव्स। अब उसको ये भी भरोसा रहता है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी लिखा रहता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स वर फॉलोड एंड वर एप्रोप्रिएट एंड वर इन प्लेस थ्रू आउट द ईयर, ऐसा करके पूरा स्टेटमेंट आता है। जब वो उस स्टेटमेंट को देखता है तो उसको ये महसूस भी होता है कि ऑडिटर ने अच्छे से वेरीफाई करा है कि कोई भी चीज मैनेजमेंट की स्पेसिफिक या जनरल डायरेक्शन के बिना नहीं होती है। अगर वो ये भी मानता है और ये भी समझता है तो फिर उसको एक और चिंता ये भी सताती है कि सर मेरे पैसों का क्या होगा, तो वो ये भी जानता है कि इन लोगों ने ये भी चेक करा है कि अप्रत्याशित रिस्क नहीं लिया है, और डेफिनेटली वो ये भी मानता है कि सेबी वगैरह ने इतना अच्छा वॉच डॉग रखा हुआ है, एक प्रॉपर चेक रखा हुआ है कि इंडिया के अंदर कोई भी लिस्टेड कंपनी फ्रॉड ना कर ले, राइट? अब डेफिनेटली इंडिया तो हुई छोटी बात, राइट? लेट्स टॉक अबाउट यूएस। यूएसए के अंदर जैसे है अपनी इंडिया में से भी, वैसे यूएसए के अंदर क्या हुआ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एसईसी। अब जब एसईसी की बात करते हैं तो आपको भी मैं बता दूं कि ये सब चीजें ना यूएस से आती है, ये सारे के सारे जो न्यू लॉज आए हैं हमारे पास में और सब जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अमेंड हुए, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द यूएस। ठीक है, अपने तो रिसेशन भी यूएस गवर्नड होता है, यूएस में रिसेशन है इसलिए हमारे रिसेशन आ गया, तो इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है। तो मैं आपको कुछ ना एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ चीजों का और आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। देखो जब यूएसए की बात करें तो यूएसए में जैसे अपने यहां सेबी है वैसे ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। यूएसए के अंदर एक फ्रॉड केस इनिशिएट हुआ 2001 में, इनिशिएट हो गया था अनकवर होते होते, मतलब पहले इनिशिएट हो गया था, अनकवर होते होते 2001 आ गया। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। 2001 के अंदर एक केस हुआ दैट वॉज अबाउट एनरॉन, और एनरॉन एक कंपनी थी जिसके ऑडिटर भी थे आर्थर एंड एंडरसन। आपको मैं बताऊं कि उस जमाने में बिग फाइव हुआ करता था, इट वॉज नॉट अबाउट बिग फोर, देयर वर बिग फाइव। बिग फाइव था तो एनरॉन के जो ऑडिटर थे वो कौन थे, आर्थर एंडरसन, एंड दैट वॉज अ बिग फाइव फर्म। ठीक है, जैसा कि आपको यहां पे विजिबल भी होगा जस्ट हेयर, राइट? सो इट वॉज अ बिग फाइव फर्म एंड एसईसी वॉज डेफिनेटली द रेगुलेटरी अथॉरिटी। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं तो शेयर होल्डर ने पैसा किसके ट्रस्ट पे लगाया होगा, एक तो डायरेक्टर्स ने जो फोरकास्ट किया उस पे, दूसरा आर्थर एंडरसन ने जो स्टेटमेंट दी है उस पे, और तीसरा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनको पता है कि ये सारा का सारा काम रेगुलेटेड है तो कोई गलती होने का चांस होगा नहीं और इस पे गवर्नमेंट की नजर है। ऐसा सोच के डायरेक्टर ने फॉल्सिफाई करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इधर, ठीक है, सेल्स को इन्फ्लेट किया, बुरे दौर से गुजर रहे थे, ये कंपनी ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर थी जस्ट लाइक ONGC, राइट? तो ये जो कंपनी थी इसके अंदर ये फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा। डेफिनेटली अगर अकाउंट्स फॉल्सिफाई होते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई तुम लोग ऑडिटर लोग अगर जो थे वो क्या कर रहे थे, राइट? और अगर ऑडिटर काम ढंग से नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये भी एक इश्यू है कि ये कैच नहीं हुआ। दूसरी बात ये आती है कि मैनेजमेंट भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था, मैनेजमेंट भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था। अगर मैनेजमेंट अपना काम ढंग से कर रहा होता तो ऐसी गलती को कहीं पे भी अवॉइड होने की बात ही नहीं थी। इनफैक्ट यहां तो मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व था इस फ्रॉड में। देन एसईसी के पास भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं रहा होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बैड गवर्नेंस, और गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ था नहीं, गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ था नहीं, तो गवर्नेंस हो रही है खराब, सब कुछ आ रहा है दिक्कत में, और ऑडिटर डेफिनेटली इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, अच्छी बात है। तो 2001 में जब ये फ्रॉड अनकवर हुआ तो मैं आपको बताता हूं कि देखो दशा क्या हुई। दशा जो है वो समझना बहुत जरूरी है। दशा ये हुई कि शेयर प्राइस जो बिफोर फ्रॉड था दैट वॉज अराउंड $90 पर शेयर, राइट? और आफ्टर फ्रॉड जो शेयर प्राइस हुआ दैट वॉज $0.12 पर शेयर। अब इतना शेयर प्राइस अगर एकदम से गिर जाए, मतलब आपके 90 रुपए कहीं सड़क पे गिर जाए
और मान लो आपको 12 पैसे कहीं थोड़े बहुत दूर चलने के बाद 12 आने मिल जाए तो आपको क्या बहुत मजा आ जाएगा क्या, अरे यार तो दिन बन गया यार, क्या लकी रहा हमें 12 आने तो मिले, इम्पॉसिबल है, विल नॉट फील गुड, मतलब बहुत बुरा हो जाएगा ये। तो डेफिनेटली जिसका $90 का शेयर था वो अगर 0.12 हो गया, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ, क्योंकि शेयर गिरते 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 नीचे जाता है। अभी रिसेंट इवेंट्स भी बोलूं तो आप देखो ना, येस बैंक में लोगों का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, DHFL में लोगों का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, रिलायंस का पूरा वेल्थ इरोड हो चुका है, रिलायंस कॉम का, आर कॉम का, तो ये सब वेल्थ इरोजन हो रहा है ना, वेल्थ इरोजन चालू होता है। वेल्थ इरोजन एक बार अगर शेयर्स में चालू होता है ना तो कंपनी का पूरा वैल्यू डिटीरियोरेट हो जाता है। आजकल देखो स्टार्टअप का भी कॉन्सेप्ट है और मैं बहुत वरीड भी रहता हूं जब मैं ये सब देखता हूं, क्योंकि स्टार्टअप्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि इसमें वेल्थ इरोजन बहुत फास्ट है। चल गया तो ठीक, छक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा और जब तक इसका एक सस्टेनेबिलिटी आता है तब तक तो क्रैश होना स्टार्ट भी हो जाता है। तो स्टार्टअप कॉन्सेप्ट भी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि सस्टेनेबल मॉडल पे जब तक नहीं आता है तब तक ठीक नहीं है। एनीवेज, इन्वेस्टर्स को तो होगा लॉस। अब आप समझो, कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं होते, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो अपने सेविंग्स का सारा पैसा इन चीजों में डाल देते हैं कि यार चलो ठीक है ग्रो कर जाएगा, किसी ने अपने को एडवाइस किया था, किसी स्टॉक ब्रोकर ने एडवाइस करा था, किसी ने कहा म्यूचुअल फंड सही है, किसी ने कहा ये सही है, ये सही है, वो सही है, तो हम लोगों ने डिस्पाइट दैट रिस्क हम लोगों ने लगाया। अब रिस्क की वजह से पैसा कम हो तो दैट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, दैट इज नो इशू, राइट। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर आपसे बात करूं किसी चीज के ऊपर, जस्ट आई हैव टू शो समथिंग टू यू, दिस इज द शेयर ऑफ टाटा मोटर्स, राइट। अभी ये करंटली ये शेयर करीब करीब 117 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एंड व्हाट्स द डेट टुडे, इट इज 15/22, अभी 28 अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। सो 28th अगस्त की अगर मैं बात करूं तो अपना अभी देखो लाइव प्राइसिंग दिख रहा है, तो टाटा मोटर्स का रेट गिर भी रहा है बढ़ भी रहा है, इनफैक्ट अभी तक जो सेंटिमेंट दिख रहा है मार्केट का दैट इज डाउनवर्ड्स, बट दैट इज डाउनवर्ड्स ड्यू टू मार्केट रिस्क, दैट इज डाउनवर्ड ड्यू टू रिस्क, दिस इज नॉट डाउनवर्ड ड्यू टू फ्रॉड, दिस इज नॉट डाउनवर्ड ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो क्या होता है यहां पे स्टेक होल्डर फिर भी ट्रस्ट बना करके रखता है दैट यस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, तो बिजनेस रिस्क था और बिजनेस रिस्क आया है तो हम क्या करें, वो रिस्क तो झेलना पड़ेगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट से लास्ट वन ईयर का ट्रेंड दिखाऊं, तो लास्ट वन ईयर का ट्रेंड भी फॉलिंग ट्रेंड है, इनफैक्ट इफ आई टू शो यू लास्ट 5 ईयर ट्रेंड इट इज अ फॉलिंग ट्रेंड। यू नो आई ब्रॉट दिस शेयर समवेयर अराउंड एट 370, तो ये वाले प्राइस पे मैं अपना ये शेयर लेकर के आया था, और एग्जैक्टली बोलो तो 2016 में ही मैंने शेयर लिया था समवेयर अराउंड दिस टाइम, ठीक है ना, ये मैं बोलूंगा इस टाइम पे कुछ, ठीक है, ये तो थोड़ा पीछे चला गया, समवेयर अराउंड दिस टाइम ना, नवंबर 15 या दिसंबर या फेब के आसपास, समवेयर अराउंड दिस टाइम आई टुक दिस शेयर। जब मैंने ये शेयर लिया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऊपर जाएगा, और डेफिनेटली ऊपर गया, ये 573 भी टच किया, लेकिन मुझे लगा और ऊपर जाएगा और मुझे कंसोलिडेट करनी थी अपनी होल्डिंग्स और मुझे लंबे टाइम तक इसको रखना था, लेकिन उसके बाद ये शेयर गिरते चले गया। बट ये गिरते चलते गया इसमें कोई दुख की बात नहीं है, किसी ना किसी दिन मैं उम्मीद करता हूं ये बढ़ भी जाएगा। उसका रीजन ये है कि मैं आज इसको इस वैल्यूएशन से नहीं देखता, मैं इसको इस वैल्यूएशन से देखता हूं कि यार ये लोग काम तो ठीक ही कर रहे हैं ना, अगर काम गलत कर रहे होते तो मैं बहुत चिंतित हो जाता, मैं कहा अगर मेरे को फ्रॉड कहीं पर डिस्कवर हो जाए तो बहुत चिंतित हो जाता। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं अपना एक और शेयर दिखाता हूं आपको, DHFL देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दैट इज जस्ट ट्रेडिंग एट 48, विच इज रियली वेरी सैड बिकॉज इट वॉज ऑन पीक। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यू रियलाइज दैट इट वॉज समवेयर अराउंड 679 ऑन 3rd September 2018, और साल भर भी नहीं हुआ है, साल भर से वेल्थ इरोड होते 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 तो 48 आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक बात पता चली, सुनने में आई, ठीक है ना, सुनने में आई, ये सुनने में आई कि इसके अंदर कुछ घपला है प्रमोटर्स का, इंटरनल कंट्रोल को लेकर के कुछ इश्यूज हैं। तो जैसे ही वो इश्यूज की बात आई ना, लोगों को मन में खतरा होना चालू हुआ, और अभी पुराने इंसिडेंट्स लोग देख चुके थे, एनरॉन का एक इंसिडेंट देख लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में एक इंसिडेंट हो गया सत्यम का बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो जैसे कोई ऐसा स्कैम आ जाता है सामने या ऐसा लगता है, अभी तो इसमें केवल आंकलने लगी उतने में ही लोग निकल गए, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर जब लोग निकल गए तो पैसा भी निकल गया, पैसा निकल गया तो रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो गए, रीपेमेंट में डिफॉल्ट हो गए तो और शेयर नीचे गिरता चला गया। मतलब एक न्यूज ने
जो कि केवल एक, मैं ऐसा बोल सका हूं तो कि केवल एक एक इनिशियली एक रूमर की तरह स्टार्ट हुई, उसी ने एक दिन में, मैं आपको बोल रहा हूं देखो सितंबर में, चलो अपने इतना बुरी बात नहीं करते, अपने तो यहां बात करते हैं, 3 सितंबर को शेयर इतना ऊपर है और 24 सितंबर को शेयर इतना नीचे है, हाफ से भी ज्यादा वैल्यू, और ये तो एक ही दिन में इरोड हुआ था, ठीक है ना। 19 सितंबर को 610 चल रहा था, 19 सितंबर को, 21 सितंबर को 350 चल रहा था, मतलब शेयर का वैल्यू धप करके नीचे गिरा। ये जो गिरा ना, ये गिरने का सेंटीमेंट बेसिकली क्या था, क्योंकि लोगों को लगा कि अंदर इसके अंदर कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व है और ये कंपनी अब बहुत ज्यादा टाइम तक सॉल्वेंट कंपनी नहीं रहेगी, तो लोगों ने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया। मेरे भी इसमें कुछ FDs लगे हुए थे, मैंने टाटा मोटर्स अपनी बाइंग्स को विड्रॉ नहीं करा, लेकिन जैसे यहां पे देखा तो यहां पे मैंने अपनी FDs तक भी एनकैश करा ली। मैंने कहा FD जबकि सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ डिपॉजिट था, सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट था, फिक्स था, पैरी पैसो क्लॉज में भी अगर देखें तो सबसे पहले ऊपर मेरे को मिलता और अंदर भी मिलता, तो मेरे को सबसे ज्यादा मिलता, तो ऐसा कुछ मेरा छूट ना जाता, लेकिन मैंने कहा कि भाई इसके फंड्स में से पहले से निकाल लो, भागते चोर की लंगोटी भी अच्छी, तो हमने कहा अपने पकड़ लो, और हमने वही किया, हमने फटाफट सारे के सारे पैसे इसमें से निकालना चालू किया। मैंने कहा भाई खींचो 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 खींचो, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, तो मैंने खींच लिया पैसा इसमें से वापस। नाउ क्या हुआ, अब जैसे ही ये एनरॉन वाला कांड हुआ तो लोगों का भरोसा किस पे से टूटा होगा, SEC से टूट गया, ये भाई SEC तो इसका मतलब बेकार है, एक फालतू में क्या ध्यान रख रही है, जब हमारा शेयर फ्रॉड हो जाता है, अगर तुम्हारी इतनी पेनल्टीज होने के बाद, इतने कंप्लायंसेस लेने के बाद अगर फ्रॉड हो जाता है, और प्लस ऑडिटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऑडिटर सबमिट करते हैं, क्या लिस्टेड कंपनीज में ऑडिटर का रोल होता है या नहीं होता, होता है, स्पेशल रोल होता है, तो इसका मतलब ऑडिटर ने भी गड़बड़ की है। अब SEC क्या करेगा, SEC ने बोला, बोले हटा सावन की घटा, SEC ने कुछ निर्णय लिए, स्ट्रिक्ट निर्णय कि एनरॉन तेरे को उड़ा रहे, दूसरा लिक्विडेशन ऑफ आर्थर एंडरसन, उन्होंने बोला भाई इसको उड़ाओ, इसको हर जगह से, इसका पूरे वर्ल्ड मैप से नामो निशान मिटा दो, तो केवल क्या रह गए, बिग फोर्स रह गए, और एक कमिटी के लिए भी बोला एक कमिटी बनाओ जिससे एक मोर स्ट्रिंजेंट लॉ लेकर के आएंगे, और उस लॉ का नाम पड़ा क्या, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट। डेफिनेटली ये सब बात हो गई। अब इंडिया के अंदर सेम चीज दोहराई गई, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे इतना डिलीजेंट नहीं हुआ, तो इंडिया ने एकदम से कुछ अडॉप्ट किया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक इंडिया डिलीजेंट हुआ तब तक सत्यम स्कैंडल हो चुका था, एंड दिस वॉज अ सिमिलर केस एज गुड एज एनरॉन। यहां पे भी सेल्स को इन्फ्लेट किया गया था, मैं आपको थोड़ा सा ना इस पीरियड के बारे में बताता हूं कि हुआ क्या था। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर, और USA जो है वो मैं ऐसा बोलूंगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की जगह इंपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डेफिनेटली इंडिया से जाने वाली बहुत सारी सर्विसेज आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ KPOs एंड BPOs एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज गिवन टू द US। आपको भी पता है कि 2008 में एक रिसेशन आया था, अगर आप सेंसेक्स का ग्राफ भी खोलेंगे ना कभी पिछले 40 साल का, तो आपको दिखेगा कि बीच में अचानक सेंसेक्स बहुत डिप कर रहा है, 17,000 से 9,000 के पॉइंट पे, एंड इट्स समवेयर अराउंड 2008 टू 2010, और वो 2 साल के गैप के अंदर सेंसेक्स कितना गिरा है, 9,000 पॉइंट नीचे आया है, और फिर उसके बाद वापस से तेजी पकड़ा ऊपर ही है, एंड दोज वर कंसिडर्ड टू बी द ह्यूज इन्वेस्टमेंट ईयर्स। उस टाइम पे एक तो USA में रिसेशन चल रहा था, और दूसरी मार किसने दी, सत्यम स्कैंडल ने दी, तो लोगों का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट से हिल गया पूरा, बोले कि एक तो ये बाहर से डोमिनेट होने वाले रिस्क भी ज्यादा है, और प्लस अंदरूनी फ्रॉड भी निकल रहा है, मतलब इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज भी नहीं है, और साथ के साथ इतना मार्केट रिस्क भी आ रहा है, तो लोग निकलना बाहर निकलना चालू हुए, बोले बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो सत्यम स्कैंडल के अंदर क्या हुआ, सत्यम स्कैंडल के ऑडिटर कौन थे, PwC। यहां पे अपने भी SEBI ने एक्शन लिया, क्या लिया, 13 करोड़ की तो पेनल्टी लगाई, आपको पता ही है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट लगाया 12% पर एनम, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम January 7, 2009, बोले सब भरो तुम डिस्कवरी होते ही, एंड एक बैन लगाया गया PwC पे 2 साल का, ब्लैंकेट बैन, वो बैन है वो अभी भी सर्व कर रहा है, आपको पता है, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों दिया, मैंने कहा यहां पे जो इशू है बेसिकली द इशू इज ऑफ वन सिंपल एस्पेक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लोग मार्केट रिस्क तो फिर भी झेल लेंगे,
लेकिन आप अगर फ्रॉड कर दोगे, आपका इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, आपके यहां पे गवर्नेंस अगर ढंग से नहीं हो रही है, आप उस पैसे का मिसयूज कर रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी. इफ यू आर नॉट वर्किंग रिस्पॉन्सिबली देन देयर इज अ ह्यूज इशू. तो देन केम द कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट. आपको भी पता है, आप अपने कभी भी एसेज देखेंगे ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट कहीं जगह पे लिखा होगा रिवाइज्ड 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 रिवाइज्ड. और ये रिवाइज कब किए, 2010 में, क्योंकि जैसे ही ये स्कैम पकड़ में आया, लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस अब जाएगा. जैसे ही लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस जाने लगा, लोगों क्या अच्छा हुई कि अब अपने प्रधानमंत्री वगैरह सब लोग इंटरेस्टेड हो गए कि यार अपने को भी कुछ करना पड़ेगा. तो कंपनीज एक्ट 2013 के लिए जो चर्चा स्टार्ट हुई वो 2009 में स्टार्ट हो गई. बैलेंस शीट के बेटर प्रेजेंटेशन पे शेड्यूल, रिवाइज शेड्यूल लेकर के आने के लिए और फिर बाद में एक नए शेड्यूल को कन्वर्ट करने के लिए जो इच्छा जागी, वो 2009 से ही जागना चालू हो गई, क्योंकि गड़बड़ हो चुकी थी. और गड़बड़ हो चुकी थी तो हमारे को रिपोर्टिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के, कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी ऑडिट के अंदर, वी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस. एंड दोज चेंजेस वर टू बी इन लाइन विद वॉट. अगर उसके पैराग्राफ्स हम लोगों ने उठाए होंगे तो कहां से उठाए होंगे सर? वहीं से उठाए होंगे कहां से? सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट से, जिसको पूरी दुनिया ने फॉलो करा. सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट को आईएसओ ने भी सराहा, सबने सराहा. एक और एक बात आ रही थी, बात यह आ रही थी कि अब ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हो क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि भाई हम लोगों को गवर्नेंस बहुत अच्छे से मैनेज करना है. मतलब हम लोगों को जो भी काम करना है वो इस हिसाब से करना है कि स्टेक होल्डर को रहे फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईच एंड एवरी टास्क दैट वी डू, प्लस हर किसी स्टेक होल्डर का कंसर्न सेटिस्फाई भी हो और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो और कोई भी अनडिजायर्ड इवेंट नहीं हो. ये सारी की सारी बातें जागी दिमाग में. इंटरनल कंट्रोल इसके लिए बहुत स्ट्रांग था. तो एक तो कंट्रोल की बात करते हैं और एक रिस्क की बात करते हैं. एक रिस्क मैनेजमेंट करना है और एक इंटरनल कंट्रोल को अच्छा करना है. इंटरनल कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा लगता है. हम लोग सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना? आपको याद होगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ लिया, ठीक है ना? लेकिन जो मैनेजरियल कंट्रोल्स होते हैं, दोज आर इंटरनल कंट्रोल्स. वैसे सारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, लेकिन मैं बोलूं कि एक पॉलिसी, प्रोसीजर, गाइडलाइन, बाउंडेशन, इनसे लगने वाले जो कंट्रोल्स होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई. प्लस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आजकल आप ये भी समझ रहे हो कि सन 2000 के बाद, सिंस द ईयर 2000 कमेंस्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी बहुत बूम आने लगा और बिजनेस के अंदर इनवेरिएबली टेक्नोलॉजी एक पार्ट बनने लगा. द रीजन द फर्स्ट रीजन फॉर इट वॉज पेपैल. पेपैल करके जो वेबसाइट है, आपको भी मालूम होगा, एलॉन मस्क ने लॉन्च किया था. एलॉन मस्क व्हेन ही मेड पेपैल, इट अलाउड टू डू कमर्शियल ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट इन फॉर्म ऑफ मनी. अब जैसे इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन आया, लोगों को ई कॉमर्स की विंग खुल गई. ई कॉमर्स की अगर मैं बोलूं कि one of the reasons behind a good e-commerce is Elon Musk also. So, जैसे ही लोगों को realize हुआ कि now technology can invariably become part of business, people started involving technology into their business. अब technology से भी business objective achieve हो रहा है. तो क्या इस technology के governance की बात करना भी जरूरी है या नहीं है? पूरी entity का governance तो बात तो कर ही रहे हो, लेकिन क्या technology का governance की बात करना भी जरूरी है कि नहीं है? Hence the term was coined as IT governance. एंड देन उन्होंने बोला कि यार ये आईटी गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अलग अलग चीजें थोड़ी ना है, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही. तो क्यों ना, क्योंकि आजकल सब प्रोसेसेस आईटी सेंट्रिक हो चुके हैं, तो क्यों ना हम कुछ और अच्छी बात करें. मैं आपको थोड़ी बात समझाता हूं. जब शुरुआत में, मैं बोल रहा हूं इन अर्ली टू थाउजेंड्स जब आईटी लॉन्च हुआ, ठीक है ना, मतलब आईटी लॉन्च के बाद, मतलब आईटी लोगों को समझ में आने लगा थोड़ा बहुत, तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने कहा कि एक आईटी डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग से, इसको अलग रखते हैं और अपना एंटिटी जो है, रेस्ट ऑफ द एंटिटी दैट विल रन एज अ डिफरेंट थिंग, और हम धीरे धीरे वॉच रखेंगे, विल कीप वॉच कि हमको यहां पर इसकी कहां पर और इसकी कहां पर जरूरत पड़ रही है. सो आईटी वॉज नॉट द कोर ऑफ द बिजनेस बट वॉज अलाइंड विद द बिजनेस समवेयर समहाउ समवॉट. हम इसको इन्वॉल्व करते थे कहीं ना कहीं. तो हम केवल धंधे में इन्वॉल्वमेंट के लिए आईटी का इस्तेमाल करते थे. मतलब आईटी यूज करना मेरी कोई इच्छा नहीं थी इनिशियली. मैंने कहा चलो रखते हैं, इसका एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, देखते हैं. तो डेफिनेटली इस आईटी की वजह से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो एक आईटी गवर्नेंस करना जरूरी था और एंटिटी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो चल ही रहा था. नो इश्यूज, ये टॉपिक तो हम पढ़ते ही हैं, नो इश्यूज. तो सर क्या मैं ऐसा बोलूं कि आईटी गवर्नेंस भी इज अ पार्ट ऑफ
कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आईटी गवर्नेंस इज अ सबसेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नो इश्यूज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेन गवर्नेंस है, जो आप चाहते हो कि भाई ऑब्जेक्टिव अचीव हो, कंपनी से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कंपनी के अंदर अंदर है। तो उसके अंदर एक आईटी डिपार्टमेंट भी है, वो आईटी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा करे। क्यों सिर्फ आईटी गवर्नेंस की बात करें, बाकी फाइनेंस फाइनेंस, अरे बाकी सब आ जा रहा है एक शेल्टर के अंदर। आईटी गवर्नेंस की बात मेजरली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईटी और बिजनेस दो एकदम विपरीत बातें हो सकती है। आईटी समझना और बिजनेस नॉलेज रखना दोनों बिल्कुल अलग बात है। आईटी एक्यूमेंट रखना, बिजनेस एक्यूमेंट रखना बिल्कुल अलग बात है। नॉर्मल थेफ्ट, आईटी रिलेटेड थेफ्ट बिल्कुल अलग बात है। तो आईटी गवर्नेंस की अलग से बात करनी पड़ेगी, हम लोग करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि आईटी बिकेम कोर ऑफ एवरीथिंग, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आईटी बिकेम कोर ऑफ एवरीथिंग। तो आईटी डिपार्टमेंट्स इधर आ गए सेंटर में, सेंट्रल रोल प्ले करने लगे इन द एंटरप्राइज। तो यहां जाके हमें चर्चा करनी पड़ी अबाउट व्हाट, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी, जीईआईटी। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं एक ड्राइंग दे दूं अगर आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये आईटी गवर्नेंस है तो हम बोलेंगे कि इससे ज्यादा बढ़कर कुछ है वो, उसको बोलूंगा मैं जीईआईटी। और ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है जिसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली करना क्या है, करना यह है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव तरीके से अचीव करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ये इंश्योर करना कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कहानी है। प्रॉपर कंप्लायंस से हो ये और भी अच्छी बात है, बिजनेस पूरे ढंग से चले ये और भी अच्छी बात है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको शायद दिखा सकता हूं, कुछ टर्म्स दिखाऊंगा केवल और केवल, अभी ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि गवर्नेंस का मतलब है टू स्टीयर, टू मूव, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा बहुत ये समझा रहे हैं कि बिजनेस गवर्नेंस की बात करते हैं या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं और कन्फॉर्मेंस की बात करते हैं। तो देखो, देयर आर टू थिंग्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस गवर्नेंस। देखो बिजनेस गवर्नेंस क्या बोलता है, बिजनेस गवर्नेंस बोलता है कि धंधा कैसे चलाना है उसकी बात करना, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलता है कि धंधे में जो लोग इन्वॉल्व है उनको कैसे खुश रखना है उसकी बात। बिजनेस गवर्नेंस का मतलब होता है कि बिजनेस की तेजी कैसे बढ़ाई जाए। अगर मैं बोलूं आईटी की बात, तो आईटी दोनों तरफ देखता है। आईटी के अंदर बिजनेस, आईटी बिजनेस को तेजी प्रदान करता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की ओर भी ध्यान देता है, और आईटी के अंदर कुछ कंप्लायंसेस की बात भी हमेशा रहेगी। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि आईटी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी आता है, वो कहीं ना कहीं इधर भी आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस कन्फॉर्मेंस, मतलब जो बोला गया है वो करके दिखाना, जो कहा गया है वो करके दिखाना, जितने रिस्क में करना चाहते थे उतने रिस्क में करके दिखाना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इधर आएंगी। अच्छा, मैं सिर्फ अभी फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑफ द चैप्टर, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर टू यू बिकॉज दैट डज नॉट मैटर एज ऑफ नाउ, राइट। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो यहां पे भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह का है, फिर उसने बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू पहले हो चुका है, सब इसी में से यार, सारबेंज ऑक्सले एक्ट ऑफ द यूएस, फिर क्लॉज 49 ऑफ वेस्टिंग रिक्वायरमेंट जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है क्योंकि हमारे जो न्यू कंपनी लॉ है उसने इसको और चेंज करा है, राइट। तो इसकी बात वैसे मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन क्योंकि अपने कोर्स में अभी तक लिखा हुआ है तो आई एम नॉट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग इट डायरेक्टली। देन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिटिकल सो दैट एनी वीकनेस इन दिस एरिया कैन बी एड्रेस प्रॉपरली। हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कहता क्या है, इज डिफाइंड एज द सिस्टम बाय विच अ कंपनी और एंटरप्राइज इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू बाय इनहांसिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो बोल रहा है कि शेयर होल्डर अपना खुश रहे और अपने पास कंट्रोल रहे, इसके अंदर मतलब हम बराबर मैनेजमेंट करें, राइट। और इसका फोकस मेजरली किस पे होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, कि किसी के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है विदाउट एनी चीटिंग। इट्स नॉट फोकसिंग एंटायरली ऑन बिजनेस बट इट इज फोकसिंग मेनली ऑन कंप्लायंस। सो दैट्स द बेसिक एरिया वेर आई वॉज डिस्कसिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बिजनेस गवर्नेंस है, इसको हम कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, ये प्रोएक्टिव है, बिजनेस ओरिएंटेड है, फॉरवर्ड लुकिंग व्यू लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, और स्ट्रैटेजी और वैल्यू क्रिएशन पे बात करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बात करता है। आईटी एंड गवर्नेंस को मिक्स करा तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं आईटी गवर्नेंस बनाया, मतलब बिजनेस गवर्नेंस भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, मिक्सिंग है, ठीक है ना। तो गवर्नेंस को मिक्स करा तो इस तरह से हुआ। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईटी गवर्नेंस को भी हम लोगों ने चेक करा कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईटी गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। तो वो आईटी को, आईटी सही कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आईटी गवर्नेंस है। और फिर एक कॉन्सेप्ट बोलता है जीईआईटी। तो मैंने आपको बताया ही कि जीआईटी ने पूरा का पूरा क्या बोला, जीआईटी ने ये नहीं बोला कि मैं आईटी डिपार्टमेंट को देखूंगा,
जीआईटी ने ये बोला कि हम लोग पूरे एंटरप्राइज में आईटी किस किस तरह से लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है, किस किस को क्या इंपैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर काम करेंगे. नाउ हाउ कम जीआईटी केम इनटू प्लेस? अरे आजकल तुम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, या मैं बोलूं कि सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, कौन से फॉर्म में करते हो? ईआरपी. जब ईआरपी इंप्लीमेंट करते हो तो एंटायर वर्ल्ड कवर होता है कि नहीं होता? मतलब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, अपनी बिजनेस की दुनिया में, अपने एंटिटी की दुनिया में, एंटायर एंटिटी गेट्स कवर्ड इनटू इट और नॉट? यस. तो इसका मतलब अब आईटी एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है जिससे एक अलग से रिपोर्ट मंगाना है. आईटी इज पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, समझना. एक तो मैं बोलू कि अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक मैं बोलूं कि अकाउंट्स आता है तो एफएम करने में भी आसानी होगी, कॉस्टिंग करने में भी आसानी होगी, टैक्स पढ़ने में भी आसानी होगी, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है. मतलब अकाउंट्स की नॉलेज जो है वो और जगहों पे इंटीग्रेट भी हो रही है. तो जब इंटीग्रेशन की बात आती है ना, तो हम बात करते हैं जीईआईटी की, कि आईटी पूरा एंटरप्राइज यूज कर रहा है और उस आईटी के अंदर हर एक छोटी छोटी बात का हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि ये सब सही तो चल रहा है ना बॉस. इसी की वजह से हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स पढ़े, असलियत में बोलू तो, कि कौन सा सिस्टम किसको काम आएगा. अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा है कि कौन से सिस्टम किसको काम करते हैं, तो बिजनेस गवर्नेंस की बात हुई. फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्लायंसेस की बात की, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6. फिर मेथोडोलॉजी की बात की, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू कंप्लायंस ओनली, कि टाइम एंड शेड्यूल और रिसोर्सेज में बनेगा कि नहीं बनेगा. तो ये सब कंप्लायंसेस रिलेटेड इशू चल रहा है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो लाना है. अब जब मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, इसके साथ में लिंक भी करूंगा. मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस तो लाना है लेकिन साथ साथ कंप्लायंस भी करना है. परफॉर्मेंस लाना है साथ साथ सेफ्टी भी मेंटेन करना है. परफॉर्मेंस लाना है साथ साथ प्राइवेसी भी लाना है. परफॉर्मेंस लाना है साथ साथ मेंटेनेबिलिटी भी लाना है. तो ये सारी की सारी बातें आ रही है कि परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है, कन्फर्मेंस पे भी ध्यान देना है. हम लोग मेजरली इस चैप्टर को कन्फर्मेंस के नजरिए से पढ़ रहे हैं और साथ के साथ दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से, क्योंकि शेयर होल्डर का वैल्यू दो ही कारण से गिर सकता है. एक तो तुम इंटरनल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ कर दो, मतलब तुम लोग गवर्नेंस अच्छा नहीं करो, तुम लोग मैनेजमेंट अच्छा नहीं करो. ऑफ कोर्स इट विल इंक्लूड रिस्क एज वेल, बट अगर मैं एकदम डिफाइन करूं कि दो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, तो मैं बोलूंगा तुम्हारा मैनेजमेंट पुअर है, तुम लोग इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं मेंटेन करते, तुम लोग चोरी वोरी करते हो, चोरी चकारी करते हो, और दूसरा तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट खराब है. अगर मेरे को गवर्नेंस के अंदर दो सबसे मेन बात करनी हो तो सिर्फ मैं ये कहूंगा कि सर अच्छा मैनेजमेंट या अच्छे तरीके से हमारी चीजें तभी यूज होती हैं जब क्या हो, एक तो हो इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे, मतलब सब सही चल रहा है. इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोगों ने, वैसे बोलूं तो, चैप्टर नंबर 3 में बखूबी पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 में इनको ऑडिट भी किया. और दूसरी बात मैंने कहूंगा क्या, कि इंटरनल कंट्रोल हो एकदम सही और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट एकदम ठीक हो. ऐसा नहीं कि एंटिटी कितने भी लेवल पे कैसा भी रिस्क ले ले. अगर ये दो चीज हम लोग सही से हैंडल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नेंस का इशू हम लोगों को नहीं आ सकता. और मैं उम्मीद भी करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बात को एक्नॉलेज भी करते हैं. ओके, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको गवर्नेंस से रिलेटेड बताई. मैंने आपको अगेन 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए. एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक करा आईटी गवर्नेंस, और तीसरा क्या करा मैंने, जीईआईटी. तो जीईआईटी एक वाइड एंगल कॉन्सेप्ट हुआ जहां पे आईटी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, और हर जगह हो रहा है तो वी आर वर्ल्ड कि आईटी क्या क्या रिस्क ला रहा है, आईटी के ऊपर क्या क्या कंट्रोल की डेफिशिएंसीज है, ये वरी है मेरी. तो आप देखोगे ना तो इस तरह से ही समझ में आएगा. आप लोग पढ़ोगे भी जब तो इस तरह की बातें करेगा कि कैसे डिसीजंस बनते हैं, क्या होता है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है. तो ये मैनेजमेंट लेवल का थॉट प्रोसेस है. अब बच्चा ये भी पूछता है कि सर जीआईटी वगैरह हो गया, ये सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा करा आपने, हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा बताया, अब मुझे ये भी बताओ कि ये कोबिट ओबिट क्या है, ठीक है ना, और ये कोसो क्या है, कोबिट क्या है, ये सब भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. तो इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस इट वुड बी वेरी गुड फॉर अस. बाकी सब तो रिस्क मैनेजमेंट सब दिख रहा है और यहां पे अवेलेबल है. तो देखो जीआईटी का एक फ्रेमवर्क है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी, जीआईटी का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है कोबिट. ठीक है, जीआईटी को हम लोगों ने डिस्कस करना है क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरे टाइम डिस्कस कर रहे हैं. आप लोग टैक्सेशन कंप्लायंस करते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आप लोग अच्छा अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आप लोग अच्छे से अपना कंपनी लॉ पढ़ के उसमें अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आईटी के अंदर क्या पढ़ू, ये या ये? तो आपने बोला ये तो छोटे स्कोप की बात थी, ये तो पुरानी बात थी, हो चुका. हम लोग इसके बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. इनिशियली हम लोग डिटेल अप करके हम लोग निकल लिए कि हाँ ये भी है, ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था. अभी मॉडर्न एरा के अंदर अगर मैं इसका वाले सब्जेक्ट के अंदर इस चीज को पढ़ रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी. इसका एक वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क है,
जिसका नाम दिया है कॉबिट 5। अब बोलोगे कॉबिट 5 का नाम कॉबिट 5 क्यों है, तो एक जना बोल सकता है कि सर इसमें पांच प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, पांच प्रिंसिपल्स है तो पांच प्रिंसिपल्स है इसलिए इसका नाम कॉबिट 5 है। तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कॉबिट के मल्टीपल मल्टीपल बातें आती है कॉबिट के अंदर। कॉबिट हैव बीन लाइक कॉबिट 1, कॉबिट 2, कॉबिट 3, कॉबिट 4, कॉबिट 5, और अभी जो लेटेस्ट लेटेस्ट आया है, जो नए आपके सीसा एग्जामिनेशन में भी आ रहा है, दैट इज नेम्ड एज कॉबिट 2019, दैट इज नेम्ड एज कॉबिट 2019। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट मे टर्म के लिए इसको अमेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैंने तो इंस्टीट्यूट को एक मेल भी डाला है कि इसको अमेंड करना चाहिए और अब इसमें कॉबिट 2019 की गाइडलाइंस डालनी चाहिए, लेकिन आईएसआ का इंस्टीट्यूट को देगा तब ना, तो वहां पे भी तो बात चल रही है। तो आपको पता है क्या, आईटी गवर्नेंस पे सबसे पहले चर्चा करने वाली संस्था कौन सी थी? तो आप बोलेंगे आईएसआ का। और आईएसआ का के ऊपर मैंने अन अकेडमी पे जो चैप्टर 6 डाला है उसके वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आईएसआ का क्यों था, क्या आया था, किस वजह से आया, क्या प्रॉब्लम्स रही, व्हाई वाज आईएसआ का देयर। तो आईएसआ का ने क्या करा, आईएसआ का ने बोला कि क्योंकि हम एक ग्लोबल बॉडी है तो क्यों ना एक फ्रेमवर्क दे दें। देखो आपको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मिलता है तो वो इसलिए मिलता है सो दैट एवरीबॉडी डज समथिंग इन द सेम मैनर, तो कंपेरेबल होगा, प्लस आप एक ब्लेम नहीं डाल सकते ना। अगर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है, मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करा है, मैंने सब कुछ फॉलो करा है, तो सामने वाली एंटिटी मुझे ब्लेम नहीं डाल सकती। मेरे पास एक आड़ है लेने को कि भाई मेरे को जो भी सफिशियंट चीजें थी मैंने सब फॉलो किया है, तो अब आप मेरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि ये कैसे रह गया, ये वो कैसे रह गया, वो कैसे रह गया। ये बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड अप्रोच ही ना हो, कोई बेस्ट प्रैक्टिस का मेथड ही ना हो, कोई स्टैंडर्ड्स ही ना हो, तो फिर क्या होगा, कोई भी कुछ भी करेगा। तो कोई भी कुछ भी ना करे, प्लस सामने वाले के लिए भी एक डिफेंस मैकेनिज्म रहे कि मैं इससे बेहतर तो और क्या कर लेता, एक प्रूविंग पॉइंट रहे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स लाए गए और स्टैंडर्ड्स को ग्लोबली एक्सेप्ट भी कराने की प्रयास करते गए। और आज आईएसआ का के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है, एंड देयर इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉबिट 29 व्हिच इज वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। तो कॉबिट 2019 अब आ चुका है, खैर इसके ऊपर कोई ज्यादा बहुत चर्चा करने की हमको जरूरत नहीं है। इसमें कुछ और प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं, कुछ और नई बातें ऐड हुई हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है इसका। आप चाहें तो सीसा के मैनुअल्स पढ़ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। सीसा के वेबसाइट पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है अबाउट कॉबिट 29। सीसा का वेबसाइट मींस आईएसआ का, आईएसआ का इज द ग्लोबल बॉडी और उसी के कुछ कोर्सेज हैं, वन ऑफ दोज इज सीसा विच आई एम ऑल्सो परसुइंग करंटली। नाउ ये सब कुछ समझाने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 2 से 3 बातें बेसिकली आ रही है। एक तो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको लाया क्यों गया, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट आईटी बट इट इज अबाउट अ लॉट मेनी स्टफ। इवन टैक्सेशन का प्रॉपर कंप्लायंस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इवन फाइनेंस में प्रॉपर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज करना इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। प्लस आप लोग ये भी समझ पाए होंगे कि आईटी गवर्नेंस क्या है, और इसका एक बिगर वर्जन जो आजकल चल रहा है दैट इज जीईआईटी, और जीईआईटी को लगने वाला फ्रेमवर्क दैट इज कॉबिट। तो मैं एक बार इस लेक्चर में इतना ही डिस्कशन कर रहा हूं, मैं इसके बियॉन्ड डिस्कशन नहीं कर रहा, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू माय लेवल बेस्ट द फ्रेमवर्क ऑफ द टॉपिक्स। और अगर एक बार वो चीज दिल में जैसे मेरे जा रही है वैसे आपकी भी जा रही होगी अगर, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एंड आई विल से थैंक यू वेरी मच, एंड हम लोग जल्दी से फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।